Bugün her şey son bulacak. Bir süre buralarda olmayacağım. Gülşen kaza yaptı. Uçurumda seni bekliyor. Dayan dayan. Dayan. Hello friends. Welcome back to my channel. तो फ्रेंड्स आज हम बोल से कहते हैं कि कल फैरात और दरिया की शादी है, तो तुम्हें इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। इस शादी को लेकर फ्रेंड्स गुल और फैरात दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिसाइड होते हैं। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स फराना जाते अनम से कहता है कि मैं और मेरी वाइफ दिलान इस शादी को अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स फरान भी फैरात और दरिया की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। होपफुली फ्रेंड्स कि फैरात की शादी दरिया से नहीं बल्कि गुल से होगी और दरिया का सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स फरान दिलान से इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है कि वो बार बार सबीहा के घर जाती हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स दिलान भी फरान को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं और इसीलिए वो सबीहा को कन्विंस करने के लिए उसके घर गई थी। लेकिन फ्रेंड्स सबीहा कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और वह दिलान को उसी जगह मिलने के लिए बुलाती हैं जहां इनके बेटे गुलशा की डेथ हुई थी। एक्चुअली फ्रेंड्स सबीहा फरान से अपना बदला लेने के लिए दिलान को भी उसी जगह मारना चाहती हैं जहां गुलशा ने सुसाइड की थी। बट फ्रेंड्स हेवन ये जान चुकी है कि फरान इनोसेंट है और इसीलिए वो फरान की हेल्प करती हैं और वो फरान को इन्फॉर्म कर देती हैं कि दिलान की जान खतरे में है। हो सकता है कि सबीहा उसे मारने की कोशिश करे। हो सकता है फ्रेंड्स कि सबीहा अपने इस गुस्से की वजह से अपनी दूसरी बेटी को भी खो दे। लगता है कि क्या फरान दिलान को बचाने में कामयाब हो जाएगा या फिर नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के मज़ीद नए वीडियोस के लिए चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।